हे गाइस, स्वागत है आप सबका पोकेमोन एमराल्ड के एक और नए एपिसोड में। आई थिंक एपिसोड 24 होगा। और अगर आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में हमने क्या किया था, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने टीम आई थिंक एक्वानी मैग्मा के साथ लड़ाई की थी, जिन्होंने ये अली आई थिंक ये मॉसडीप सिटी के जो स्पेस सेंटर है वहाँ पर कब्जा कर लिया था उन्होंने। तो हम लोगों ने उनके साथ लड़ाई की थी स्टीवन के साथ, और स्टीवन काफ़ी स्ट्रॉन्ग जिम लीडर नहीं पोकेमोन ट्रेनर था। और एंड में स्टीवन ने अपने को खुश होके एक HM भी दिया था डाइव, जिसका यूज़ करके हम लोग आज रूट 128 पे एक्सप्लोर करेंगे। और मैंने मेरे टीम में थोड़े से चेंजेस भी हो चुके हैं, जैसे कि गार्डिवर 40 लेवल की हो गए, ब्लेजिकन 44 का हो चुका है, हमारा जो एग्रॉन मतलब इवॉल्व हो चुका है फाइनल स्टेज में, लैरियन जो था वो इवॉल्व हो चुका है एग्रॉन में, और इसके पास मेगा स्टोन भी मेरे को आपको याद होगा स्टार्टिंग में मिला था, तो ये भी मेगा इवॉल्व हो सकता है। मतलब हमारे टीम में ब्लेजिकन और एग्रॉन ये दोनों पोकेमोन मेगा इवॉल्व हो सकते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगर आपको बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है तो उसके लिए सॉरी सबसे पहले तो। और फिर पहली पर 40 का है लैम्बोर, 42 का है, अब तक मैं इसको इवॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि गाइस मेरे को पता नहीं इसको इवॉल्व कैसे करते हैं। आई थिंक वाटर स्टोन के थ्रू इवॉल्व होगा, बट वाटर स्टोन भी कहाँ मिलेगा मेरे को कोई आइडिया नहीं है, अगर आपको पता रहेगा तो बता देना। और मैनेट्रिक अपना ये भी इवॉल्व हो सकता है, बट इसका मेगा स्टोन अब तक मेरे को मिला नहीं है, तो होप सो ठीक है। एंड मैंने अपने आई गेस मैंने इसको भी डाइव सिखा के रख दिया हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें मैक्स रिपेल की ज़रूरत बढ़ने वाली है। एंड आई थिंक मैंने स्टार्टिंग के एक दो एपिसोड पहले कुछ खरीदे थे, अभी तो फ़िलहाल सुपर रेल से काम चला लेते हैं गाइज हम लोग, और यहाँ से नीचे जाएंगे, लेट्स सी। ओके, रूट 127 पे आ चुके हम लोग, यहाँ पे मैं डाइव यूज़ कर सकता हूँ, और मैंने मेरे लॉम्बोर को ही सिखा दिया था डाइव और सर्फ दोनों भी देखा जाए तो। अभी हम लोग अंडर वाटर तो आ ही चुके। ओके, अभी हमें कहाँ पे जाना है कोई आइडिया तो नहीं है, बट लेट्स सी। यहाँ पे बुलबुले के जो इफ़ेक्ट आ रहा है ना वो काफ़ी अच्छा आ रहा है गाइज, देख सकते हो साइड से क्या बुलबुले का इफ़ेक्ट आ रहा है, एकदम रियल फीलिंग देता है ये गेम लिटरली में। लेट्स सी अभी कहाँ जाना है यहाँ पे, ये तो एक सीधा रास्ता है, अंडर वाटर ही लिख के आया यहाँ पे। आई गेस यहाँ पे ये रास्ता ख़त्म हो जाएगा। ओके, यहाँ पे दो रास्ते, चलो पहले सीधा जाके देखते हैं, मतलब स्ट्रेट जाके देखते हैं। ओके, ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पे एक नीचे जाने का रास्ता भी है तो उधर जाके देख लेते हैं क्या होगा गाइज। ये बुलबुले का सच्ची में बहुत ओके, यहाँ पे केव है, रिपेल ख़त्म हो गया, हम लोग एक और यूज़ करेंगे, मैक्स रिपेल भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो गाइज यहाँ पे एक केव भी है और आगे भी रास्ता है, तो हम लोग पहले आगे जाके थोड़ा चेक कर लेंगे। ओके, यहाँ पे ये डेड एंड है, और यहाँ पे एक अलग सी केव है, यहाँ पे पहले जाके चेक कर लो कि यहाँ पे भी डेड एंड है, तो आई थिंक हमें अभी केव के अंदर ही जाना पड़ेगा गाइज, तो उधर ही जाएंगे हम लोग, ऑब्वियस सी बात है, अंडर वाटर। ओके, सबमरीन एक्सप्लोरर 1 इज पेंटेड ऑन द होल। ओके गाइज, तो आई थिंक ये वही सबमरीन है जो टीम एक्वा ने स्लेटपोर्ट सिटी के वो जो शिपयार्ड था उधर से चोरी की थी। दिस इज़ द सबमरीन टीम एक्वा स्टोल इन स्लेटपोर्ट। अरे मैं भी तो वही बोला, टीम एक्वा मस्ट हैव गॉन अशोर हियर। ओके, तो हमें यहाँ पे आई थिंक ऊपर जाना रहेगा क्योंकि वहाँ पे टीम एक्वा हो सकती है, लेट्स सी, आई डोंट नो। ओके, अभी हम लोग सी फ्लोर K1 में आ चुके हैं, लेट्स सी, आई थिंक मैक्स रिपेल तो हमारा होगा ही। ओके, यहाँ पे मेरे को स्ट्रेंथ की यूज़ करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ का यूज़ कर लेता हूँ। और गाइस मैंने हमारे एग्रॉन को स्ट्रेंथ सिखा दिया था, तो हम लोग इजीली इसको मूव कर सकते हैं, बट आई गेस यहाँ पे ये नहीं करना था हमें। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग फंस चुके हैं। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से ये ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पत्थर वहीं पे आ जाएगा आई गेस। सो आई थिंक हमें रॉक स्मैश की भी ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि यहाँ से तो हम लोग वो ऊपर नहीं जा सकते। लेट्स सी, हमारे पास रॉक स्मैश है क्या? अभी तक रॉक स्मैश है नहीं क्या? मैंने किसी को सिखाया नहीं, आई थिंक मैंने सिखाया था। लेट्स सी, TMs में होगा नीचे क्योंकि HMs तो सारे नीचे होते हैं ना। रॉक स्मैश मैंने किसी को सिखाया नहीं है। ओके, हमारे टीम में बहुत सारे लोग रॉक स्मैश सीख सकते हैं, मैं गार्डियर को सिखा देता हूँ, बाद में ये सारे मूव तो डिलीट हो सकते हैं ना। फिलहाल के लिए काम माइंड हटा देते हैं, काम माइंड इतना भी कोई खास अटैक नहीं है। हाँ आई नो, साइकिक पोकेमोन के लिए काम माइंड काफ़ी अच्छा है, बट फिर भी
वो बाद में मैं सिखा सकता हूँ, क्योंकि काम माइंड का मेरे पास एच एम है ना, टी एम है, तो मैं उसको सिखा सकता हूँ गाइस। इसलिए मैं स्मार्ट, मतलब स्मार्ट क्या बोल रहा हूँ, मैं स्मार्ट प्ले करता हूँ बस। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, मैं ऑब्वियसली जितनी बैटल अवॉइड कर सकता हूँ करने की ट्राई करूँगा। आई गेस अगर मैं यहाँ से ऐसा निकलूँ तो वो मेरे को देख ही लेगा। ओके, दैट सबमरीन इट्स टाइनी इनसाइड, आई एम स्को श्योर ऑल ओवर। ओके चलो इसके साथ जल्दी बैटल कर लेते गाइस। आई होप इसके पास ज़्यादा पोकेमोन नहीं होंगे, एक ही पोकेमोन है इसके पास। ओके, हम लोग इसके ऊपर साइकिक यूज़ करेंगे। ओके ओके ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, इसके ऊपर हमें पोकेमोन चेंज ही करना पड़ेगा। लॉम्बरी जल्दी आ और दिखा दे कि तू कौन है। ओ आइस फैंग, नाइस, बट एब्जॉर्व के सामने कुछ नहीं आई है। सारी एचपी ले लूँगा तेरी, सारी नहीं आई बट ठीक है, हमारी सारी तो नहीं भरी बट ठीक ही है। ओके तो गाइज हमने इसको हरा दिया, चलो नीचे जाके देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके यहाँ पे एक और पज़ल है, और यहाँ पे भी एक और पज़ल है। और गाइज पज़ल सॉल्व करना मेरे को पसंद तो नहीं है बट ठीक है, कभी कभी कर लेता हूँ। तो आई गेस ये कोई ऐसी पज़ल है जिससे कि हम लोग, ओके यहाँ पे मैं रॉक स्मैश यूज़ कर सकता हूँ। ओके यहाँ पे एक अलग सी केव है यार, मैक्स रिपेल ख़त्म हो गया, हम लोग फिर से यूज़ कर लेंगे। ओ ये कहाँ पे आ गया मैं, कोई आइडिया नहीं है यार बट ठीक है, रैंडमली मैं कोई लोकेशन पे जा रहा हूँ, लेट्स सी किधर से किधर जाएंगे, ये केव किधर लेके जाएगी मेरे को, वहाँ पे मैं जाने की ट्राई करूँगा। अरे ये तो उधर आ गया मैं। ओके मैं घूम फिर के फिर से उधर ही आ गया, आई गेस यहाँ पे जाना था मेरे को, यहाँ पे ये फिर से मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं, अगर मैं इसको ऐसा ढकेलूँ, इसको ऐसा करूँ और इसको, इसको नहीं इसको नहीं, इसको तोड़ दूँ तो मेरे लिए रास्ता बन जाएगा उस साइड जाने का। और उस साइड गया तो कहाँ पे निकला मैं, यहाँ पे। ओके ओके मेरे को आई थिंक वो वाले मतलब उधर जाना है, लेट्स सी यहाँ पे एक बैटल आ रही है, जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। एक ही पोकेमोन है यार, जूबैट साइकिक एक में ही चला जाएगा। आई डोंट नो मैंने गार्डिवर को आगे क्यों रखा हूँ बट ठीक है कोई बात नहीं। एक बात तो अच्छी है कि इनके पास एक एक ही पोकेमोन है। हु आर यू, वेर डू यू थिंक यू आर डूइंग, कुछ नहीं पता यार, आपके पास एक ही। अरे यार मेरे को पोकेमोन चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये पोकेमोन के ऊपर शाइनी पोकेमोन, शाइनी नहीं साइकिक पोकेमोन का कोई असर नहीं होता, इसलिए लॉम्बरी तेरे को आना पड़ेगा फिर से। ओ पॉइजन फैंग, काफ़ी अच्छा अटैक है बट इतना भी अच्छा नहीं था कि हमें टेक डाउन कर सके। ओके हमारी पूरी एच पी रिवाइव हो चुकी है, हील हो चुकी है। आई फेल टू विन, ओके कोई न्यू नई बात बता सिस्टर, ये सब पुरानी बात है। ओके यहाँ पे जाके देखते हैं, अरे यहाँ पे तो मैं आ चुका हूँ, ये एक ये तो ये पूरा ये है जाल लग रहा है जैसे, लाइक ये क्या फालतू गिरी है, मैं तो पूरा बाहर आ गया, यहाँ पे मैं गया नहीं था लास्ट टाइम। ओके ये तो वही रास्ता है यार, फिर से वही करना पड़ेगा, पक गया हूँ मैं, कोई नया रास्ता खोलना पड़ा, सीखाना मतलब क्या कर रहा हूँ मैं आई गेस। चलो जल्दी से कर ही लेते हैं, एग्रॉन जल्दी ढकेल दे। चलो इधर से ऊपर, इसके साथ भी बैटल करनी थी, वी डोंट नीड अ किड अराउंड, गो ऑन होम ऑलरेडी। ओके लेट्स बिगिन ब्रो, तेरे पास भी एक ही पोकेमोन है एज ऑलवेज, ये भी डार्क टाइप है, इसके ऊपर साइकिक मैं क्यों हमला करता हूँ। रॉक स्मैश देखते कितना स्ट्रॉन्ग अटैक होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग था। ओके मतलब ठीक ठाक, इसको सिखा के अच्छा ही किया मैंने। यहाँ पे जाके देखते हैं, ओ ये कुछ अलग जगह है, यहाँ पे आगे जाने के दो रास्ते हैं, मैं नीचे क्यों आया एक मिनट, शायद से मेरे को इधर से तो ढकेल नहीं सकता,
मैं बाहर क्यों आ रहा हूँ बार बार? पहले मेरे को ये तोड़ना पड़ेगा और फिर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रेंथ का HM का, आई गेस। मेरे को पता नहीं, पहले यहाँ पे जाके देखते हैं। चल ब्रो, ओके, ये कोई अलग ही जगह है। रिटर्न आ भाई, यहाँ पे जाके मैं देख सकता हूँ ना, ये फिर से हर बार क्यों यूज़ करना पड़ता है? एक बार ऐसा होना चाहिए था ना कि अगर एक बार कर रहा हूँ तो कर देता हूँ, बट नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, लेट्स गो हियर देन। यहाँ पे सर्फ करके देखता हूँ एक बार। ओके, फिर से फेंक दिया मेरे को यहाँ पे। ओके, फिर से वहीं पे फेंक दिया। ओके, रिपेल ख़त्म, एक और यूज़ करेंगे। यहाँ पे जाके देखते हैं। ओके, फिर आई गेस यहाँ पे और फिर यहाँ पे, फिर से वहीं पे भेज दिया मेरे को। ओके, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, चलो यहाँ पे जाके देखते हैं। ये तो ऐसी बात है कि तू एक तो पज़ल सॉल्व कर या फिर बैटल कर। तो गाइज, मैं पज़ल में इतना बिलीव नहीं करता, बैटल करेंगे। बहुत बोल दिया, चल जल्दी स्टार्ट करते हैं। इतना कौन पज़ल स्टार्ट करते रहेगा गाइज? इसके दो पोकेमोन को हरा दूंगा जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, आई नो, बट ठीक है, कोई बात नहीं, इतना भी कोई, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस इफ़ अगर आपको सुनाई। ओके, इसका डिफेंस थोड़ा तगड़ा है, पोकेमोन चेंज करना पड़ेगा। एग्रॉन आ जा, तेरा मेगा इवोल्यूशन दिखाएंगे इन लोगों को। स्ट्रेंथ यूज करके मेगा इवोल्व ना। ओके गाइस, एग्रॉन मेगा इवोल्व हो चुका है यहाँ पे। एम्बार्गो, ये क्या अटैक है? कोई बात नहीं, आयरन टेल काम कर लेगा। दूसरा गोल बैट है। ओके, मैं इसको थंडरबोल्ट भी सिखाने वाला हूँ गाइस एग्रॉन को, क्योंकि वो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी टीम तो एकदम अनबीटेबल हो ही है, मतलब हो चुकी है जस्ट लाइक। चलो आई गेस, ओके, यहाँ पे एक और पज़ल है। ये थोड़ी ट्रिकी लग रही है, बट लेट्स सी हम कैसे करेंगे यहाँ पे। मैं पहले ट्राई करूँगा यहाँ पे इसको ढकेल के, फिर इसको हक दिया, मैं पीछे जाके रिटर्न आना पड़ेगा। मेरे को ये वाले को नहीं ढकेलना था, मेरे को सिर्फ ये बीच वाले को ढकेलना था। पहले यहाँ पे, फिर तू यहाँ पे, फिर तू यहाँ पे, और फिर तू यहाँ पे, और फिर तू यहाँ पे, फिर तू यहाँ पे, फिर तू यहाँ पे, और फिर तू यहाँ पे, और फिर तू यहाँ पे, और फिर तू यहाँ पे। ओके, मैंने सॉल्व कर ली ये पज़ल। सी फ्लोर K1। ओके, यहाँ पे पोकेबॉल है, क्या है इसमें? TM26 अर्थक्वेक, काफ़ी तगड़ा है, 26 TM मिला। आई गेस यहाँ से नीचे जाना है, नीचे 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 नीचे। ये कौन है? ये तो वही है ना, मैट। व्हाट द, यू पंक, मस्ट सी इन टाइम, आरंट यू? हाउ डिड यू गेट हियर विदाउट अ सबमरीन? डिड यू कम हियर टू रुइन माई ब्रो आर्चीज ग्रेट प्लान? ये तो वही है ना जो उसका भाई था। दैट एंड गोना हैपन, बट आई एम गोना क्रश यू राइट हियर एंड आई राइट नाउ। ओके, ये मेन बैटल है तो गाइज मैं इसको स्किप नहीं कर सकता, सॉरी, मैं इसको दिखाऊंगा गाइज। ये उसका तो कोई बड़ा भाई या फिर छोटा भाई होगा ना, मैट। यार गार्डिवर क्यों आ जाती है सामने? पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा मेरे को, फिर से अपना एग्रॉन आएगा आई थिंक, या फिर ब्लेजिकन को बेच सकता हूँ ना। ब्लेजिकन भी तो एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, तो वो थोड़ा सा मतलब ये रखता है, फाइटिंग टाइप है, बट उसके पास फिलहाल तो कोई फाइटिंग टाइप मूव नहीं है, बट ठीक है, इट्स ओके। ओके, अश्योरेंस, क्या यार, मतलब ये कौन सा मूव था जो कुछ ज़्यादा करता ही नहीं है? ओके, ब्लेज किक है और फ्लेम चार्ज है,
आई गेस हम लोग ब्लेज क्रिक के साथ जाएंगे, बट मेगा इवॉल्व हो जाएंगे ब्लेज क्रिक के साथ, तो होपफुली काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ओके, मेगा ब्लेजिगन आ चुका है टूर्नामेंट में, मतलब फाइट में, और ये ब्लेज किक पड़ चुकी है सामने वाले माइटियाना को और उसकी ख़त्म, क्रिटिकल हिट लगी। इसलिए बोलता हूँ मैट हमसे पंगा मत लिया कर, बट सुनने का नहीं रहता ना, तो क्या ऐसे ही होता है तुम लोगों के साथ। दूसरा पोकेमोन है गोल बैट, ईजी पीजी नथिंग। एक और ब्लेज किक हिट हुई, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिट नहीं होती तो थोड़ा सा दिक्कत की बात होती। मेन लोग यूज़ कर रहे हैं, ब्रो आई एम इन द कंडीशन, मतलब मैं अच्छी कंडीशन में हूँ, तू तो एकदम फालतू कंडीशन में, तो मैं क्यों भागूंगा यहाँ से। आई गेस हमारे पास क्विक अटैक तो नहीं है, बट इसको कट के साथ ख़त्म कर। ओके, इसके पास सुपर पोशन है, ठीक है कोई बात नहीं। इस हमारा कट ही कितना स्ट्रांग है, देखो गाइस स्लैश यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, और कितने पोकेमोन बाकी है मैट के। ओके, शार्पीडो, शार्पीडो के लिए भी हमारे पास है लॉम्ब्री, क्योंकि वो यूज़ करेगा एब्जॉर्ब। चलो गाइस गेस करो शार्पीडो को कितना एब्जॉर्ब लगेगा, एक या फिर दो, कमेंट में बताना। एक एब्जॉर्ब लगेगा कि दो एब्जॉर्ब लगेगा, लेट्स सी, कमेंट में बता देना। अभी वीडियो पॉज करके कमेंट करो गाइस प्लीज़, शार्पीडी के लिए, मतलब शार्पीडो के लिए कितने एब्जॉर्ब लगेंगे हमें, और आंसर है एक। यार हमारा लॉम्ब्रे जो भी है वो बहुत तगड़ा इवोल्यूशन, मतलब सेकंड स्टेज में ही वो इतना स्ट्रांग है। सोचो अगर वो लूडिकुलो में इवॉल्व हो गया, लूडिकुलो जो भी है, फिर तो खा लेगा वो। अभी क्या बोलेगा, हु यू क्लाउन ऑलवेज गेटिंग अप इन आवर बिजनेस बट यू आर नॉट गोना रिग्रेट कमिंग हियर, माई ब्रो आर्ची विल शो यू द ट्रू माइट ऑफ टीम एक्वा, गो ऑन। ओके, लेट्स सी, बहुत बोलता है यार ये। ओके, यहाँ पे तो कायोग्रे है। आर्ची होल्ड इट राइट देयर स्कैम, वेल इफ इट इजंट माई लिटिल एडवर्सरी आई कांट इवन फाइंड द वर्ड्स टू प्रेज यू एज अ डिजर्व, समटाइम्स इट्स बेस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, ऑल आई विल से इज यू मेट माई एक्सपेक्टेशन स्कैम, and I am not just talking about today but everything you have done up till now, and that's why you will get honor of meeting my new partner before anyone else living in the world. The super ancient Pokemon Kyogre, how about that, that's beautiful form so long resting at peace within the azure sea. Okay, I have been waiting so long for this day to come. We humans have disregretted Pokemon and nature both in our endless pursuit of our own desires and needs, okay, and in this process we have created this broken and disordered world, but this is the day when I finally obtained the power to return everything to how it once was and to return our beginnings. Okay, now that I can release the ancient power of primal Kyogre. And now you are the last token resistance that's trying to ruin my day. I will use everything, my team, and I will to crush you once you for all. Okay. But guys, later, मतलब अभी ये water type Pokemon से ले लेके आएगा। मैं obviously बात आ रहा हूँ, अगर ये लॉम्ब्री का सामने, मतलब लॉम्ब्री के सामने इसकी पूरी टीम ये चाय कम पानी है guys, literally बता रहा हूँ। ये दोनों के पास माइटी आना तो होता ही है, लिख के ले लो। बट इसके थोड़े से ज़्यादा लेवल है, ओके मानना पड़ेगा, थोड़े से लेवल ज़्यादा है मानना पड़ेगा, इतना तो मानना पड़ेगा। लेट सी यार, जल्दी पोकेमॉन चेंज ही करना पड़ेगा यार, मैं गलती से फिर से भूल गया पोकेमॉन चेंज करना। चलो कोई बात नहीं, इस बार एग्रॉन संभाल लेगा माइटियाना को, और माइटियाना इतना भी तगड़ा पोकेमॉन है पता है, बट फिर भी हमारे इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। लेट्स यूज़ आयरन टेल फर्स्ट, और फर्स्ट पहले तो मेगा इवॉल्व हो जाता है एग्रॉन से। गाइज इसका मेगा इवोल्यूशन भी काफ़ी तगड़ा लगता है मेरे को। ओके, ये मेगा इवॉल्व हो चुका है, मेरे पास अब तक मैनेट्रिया का वो वाला मतलब की स्टोर नहीं है, मेगा क्या बोलते इसको, मैनेट्रिया ऐसा
कोई तो स्टोन होगा ना जिससे हम लोग मैनिट्रिया को ओमेगा इवॉल्व कर सकते हैं। ओह काफ़ी तगड़ा अटैक था। हाइपर पोशन यूज़ कर रहे, कर ले, जितने भी पोशन है सब इसी की पोकेमोन के ऊपर यूज़ कर ले तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर तेरे वाटर टाइप पोकेमोन सामने आ गए ना तो मेरा लॉम्बरी उन्हें छोड़ेगा नहीं, एक चांस भी नहीं देगा गाइस। ओ क्रंच यूज़ कर रहा है, देखते हैं हमारा कितना डिफेंस जाएगा। देखा हमारा डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग, ओके हमारा मिस हो गया आयरन टेल, कोई बात नहीं, खत्म, यू आर गोना डाई माई डियर। ना यू फॉट वेल बट नथिंग इज बेटर देन एग्रॉन्स डिफेंस। ओ इसके पास मक है, अगर तेरे पास मक है तो हमारे पास गार्डिवार है जिसके पास साइकिक हमला भी है, तो फिर ये बैटल कोई बनती ही नहीं है ना। लेवल देखना है मेरे को बस उसका, ओ 41 का ही है, कोई बात नहीं। साइकिक आई गैस इसको वन शॉट किल कर पाएगा, आई गैस नहीं कर पाएगा आई गैस, लगा ही था मेरे को। स्क्रीज यूज़ कर रहा है, मेरा सेल्फ डिफेंस गिराएगा, नहीं डिफेंस गिरा दिया, ओके यू आर गोना डाई टू। बट यार इसके पास मक तो था ही नहीं, इसने मक पकड़ा कब, बैट कोई बात नहीं। ओ एक क्रोबैट, क्रोबैट के लिए हम लोग यही रखेंगे आई गेस, यही रखेंगे, हाँ फ्लाइंग एंड वो है ना पॉइजन टाइप, ऑब्वियस ही बात है इसका स्पीड मेरे से ज़्यादा होगा। ओ ये सुपर इफेक्टिव अटैक था मेरे सामने, ओके चलो कुछ तो हो रहा है अभी। अरे हाँ मैंने मैनेट्रैक के बारे में तो भूल ही गया था, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक टाइप भी तो है। थंडर बोल्ड, ओके कॉर पॉइजन फैंग, ओके यू आर गोना डाई टू मैन। अरे सर्वाइव कर लिया, पैरालाइज हो गया, बट अभी हीलिंग बाकी है ना, नहीं हीलिंग नहीं है, ख़त्म हो गई, एक ही हाइपर पोशन लेके आया था ये तेरे, मतलब तू एक टीम एक्वा का लीडर है आर्ची और तेरे पास एक ही हाइपर पोशन, इतना गरीब कब हुआ तू। शार्पीडो यार छोड़ो, इसके साथ ही जाएंगे हम लोग, नहीं तो आप लोग बोलेगो गाइज यार तू ग्रास टाइप वो जो इतना अच्छा पोकेमोन है। ओ ये क्या है, शार्पीडो मेगा इवॉल्व हो रहा है, आर्ची के पास भी की स्टोन है, ओके ये मेगा इवॉल्व होने के बाद कैसा दिखता है, ज़्यादा कुछ तो चेंज हुआ नहीं इसमें, थोड़े से स्कार्स और आ गए आई गेस, थोड़ा सा बड़ा हो गया आई गेस, इतना ही और कुछ ज़्यादा तो हुआ नहीं इसके साथ। फ़ायदा क्या, मेगा इवॉल्व होके भी एक हिट में जा रहा है तो क्या फ़ायदा। ओके गाइस हमने इसको भी हरा दिया और आई थिंक अभी क्या होगा, लाइक आई फिगर्ड, ओके क्या हुआ, पागल हो गया, हंस क्यों रहा है, परफेक्ट यू आर जस्ट एज ग्रेट एज मेनी लिटल हीरो ट्राइंग टू सेव द वर्ल्ड ऑट बी, ओके बट इट्स चेंजेस नथिंग, आई कांट गिव अप नाउ, आई कांट, आई विल यूज द पावर ऑफ दिस ब्लू ऑर्ब टू अवेकन कायोग्रे एट लास्ट एंड देन आई विल रिटर्न एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टू इट्स ओरिजिनल प्योर स्टेट, नाउ अवेकन कायोग्रे, रिटर्न एवरीथिंग टू द वे इट वॉज। आर्ची ओके, शैली आई, शैली तो इसकी आई थिंक मेम्बर थी, आर्ची शैली दैट्स इनफ, कांट यू सी द वर्ल्ड यू ड्रीम एंड द वर्ल्ड कायोग्रे विल क्रिएट आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेसेस। शैली ओके, आई ऑलवेज बिलीव दैट यू एटलीस्ट वुड अंडरस्टैंड माई ड्रीम्स बट नो, आई इन द एंड द ओनली वन आई कैन डिपेंड ऑन इज यू कायोग्रे, एब्जॉर्व ऑल द पावर रेस्टिंग इन दिस ब्लू ऑर्ब एंड रिक्लेम योर सेल्फ, रिवर्ट टू योर प्राइमल फॉर्म, ओके दिस इज द टाइम टू टेक बैक द ग्रेट एवोल्यूशन यू लॉस्ट इन द एंशंट पास्ट, ओके ब्लू ऑर्ब यूज हो चुका है और अभी ये सब ओके ये जग चुका है आई गेस जग चुका है, ये भी भाग जाएगा, मेरे को लगा ही था। हा गाइस ये आर्ची भी कितना अजीब है, हारने के बाद भी हार रहा है, मतलब हंस रहा है, और इसका जो वो था वो तो भाग गया, एट लास्ट आई हैव फाइनली डन इट, विद दिस पावर आई कैन रिटर्न एवरीथिंग टू इट्स नेचुरल बिगिनिंग, इट्स टाइम एट लास्ट। शैली व्हाट हैव यू डन, इज दैट द क्रू आउटसाइड, व्हाट इज इट, सो द ग्रेट डिलो क्या लिखा है ये, डिल्यूग हैज़ बिगन, बट ऑफ कोर्स इट हैज़ दैट, दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट आई हैव, वॉट
What do you mean for? Faruqi. More than we thought. It can't be. Then if it completes its primal reservation, never mind that. Just keep an eye on it. Archie, what's going on outside? All that matters is that I have used the blue orb to awaken Kyogre and now I will return this world to its natural state. The state that is best for Pokemon. ये लोग पागल है क्या? क्या लोग बोल रहे हैं? सॉरी आर्ची, यू फाइनली अवेकन कायोग्रे हैवंट यू? व्हाट विल हैपन टू द वर्ल्ड इफ दिस डाउन पोर कंटिन्यूज फॉर ऑल इटर्निटी? द वर्ल्ड्स लैंड मास विल ड्रॉन इन डीपिंग सी. ओके, व्हाट? डोंट गेट ऑल हाई एंड माइटी विथ मी. वाजंट इट यू टीम मैग्मा दैट इन्फ्यूरिएटेड ग्राउडॉन? If the blue orb hadn't disappeared, I would have been able to control Kyogre. Okay, Maxi बोल रहा है, we don't have the time to argue about it here. Get outside and see yourself. See if what we have brought this the world that we desired. Omkar, come on, you have to get out here too. Okay, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इतनी बारिश और धूप भी आ रही है. बारिश में धूप क्यों आ रही है? This is I wanted to make a world where Pokemon could live in peace, where that Pokemon in is this the power of the super ancient Pokemon? Do you understand now, Archie? Do you finally see how disastrous your dream turned out to be? We have to hurry. We have to do something before this situation goes completely out of control. Omkar, don't say anything. I know that I have no right to be critical for Archie, but the way things are now, I doubt that we humans will be capable of doing anything of it, but neither can we stand by the just watch and helplessly. Okay, we have brought this calamity upon ourselves. It's only right if we take responsibility and clean up after our mistakes. Okay. This defies belief. Those super ancient Pokemon, their powers is unbelievable. They have upset the balance of nature. ये किधर भाग गए? Okay, Steven भी आ गया. Omkar, I'm sorry, I could not be here sooner. Terrible. So this is the what was being depicted in the painting in Granite Cave. Okay, Granite Cave? Granite Cave? तो I think मैंने कहीं सुना लग रहा है, बट ठीक है, कोई नहीं, याद नहीं आ रहा है. फर्स्ट द स्वेटरिंग हीट वेव, देन दिस हॉरिबल डिल्यूग. ओके, इफ दिस डजंट स्टॉप ऑल हुवेन नो द एंटायर वर्ल्ड विल बी ड्राउन. नथिंग कुड लिव इन सच वर्ल्ड, नीदर ह्यूमंस नॉर पोकेमॉन. दिस ह्यूज रेन क्लाउड इज इट स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम द टोपोलिस. कम ऑन स्टीवन, थिंक, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? नो, देयर इज नो पॉइंट इन agonizing our situation from here. I have to go to Sutopolis. There must be answer there. Omkar, I will count on you to help with this crisis, but please promise you won't do anything reckless. Well then, I will go ahead to Sutopolis. Good luck to you. Okay, तो मेरे को करना क्या है? Okay, अब ये जीनिया एक एक करके क्यों सब आ रहे हो यार? सब एक साथ आ जाओ. हा, that pirate guy surely knows when to drop this keystone. His keystone, okay. Xenia picks up Archie's keystone. Alright, and the winner is Xenia. ये क्या चालू है यहाँ पे? Well, hello there, Omkar. Nice to see you. All good and well. I'm glad to tell you that I finally got everything ready. Now I can do it. The summoning. I will summon a Pokemon of the sky. I will summon Rayquaza. क्या सच्ची? Well then, looks like my job here is done. So don't mind me while I excuse myself. Oh yeah, Omkar, I really hope you are coming after me. You know, I will be heading to an ancient tower sealed since primal times, the Sky Pillar. If you don't know what that is, well, ask that rock loving guy of yours. Rock loving guys of my कौन है? मेरा कौन है rock loving guy? He will know what I mean talking about. Find me there. रॉक लविंग गाय कौन है गाइस? मेरे को कोई आइडिया नहीं है रॉक लविंग गाय कौन सा है मेरा यहाँ पे.
एंड वैसे भी आज का एपिसोड बहुत बड़ा हो चुका है। तो गाइज आज का एपिसोड मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। एंड नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना गाइज, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे हमें क्या करना है, कौन रॉक लविंग गाय, रॉक लविंग गाय आई थिंक ब्रॉक के बारे में बात कर रहा है, बट होवेन रीजन में ब्रॉक कहाँ से आएगा आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे तो रॉक्सेन जिम लीडर थी रॉक टाइप, बट आई डोंट नो, सच्ची में डोंट नो। चलो मैं बोल लूँगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।